लखनऊ से बस्ती जा रही एक युवती को रोडवेज बस में सवार दो युवकों ने गलत कमेंट करने के साथ जब फोन नंबर मांगा तो वो सहम गई। चुपचाप मुख्यमंत्री व एडीजी कानून व्यवस्था को उसके साथ हो रही वारदात को ट्वीट कर दिया। इसके बाद सक्रिय हुए शासन के आदेश पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा व एसएसपी आशीष तिवारी ने महिला थाना प्रभारी व एंटी रोमियोस कवर्ट को मौके पर भेजा। रुदौली पुलिस ने घेराबंदी कर ली। बस को रुदौली में रोककर आरोपी दोनों युवकों को बस से उतार लिया गया। युवती ने आरोपियों के खिलाफ किसी तरह की कानूनी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया तो आरोपी आगे कोई कदम न उठाए इसके लिए शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही आरोपियों के परिजनों को सूचना दी गई। महिला थाना प्रभारी प्रियंका पांडेय ने बताया कि सोमवार दोपहर सूचना मिलते ही वह एंटी रोमियो टीम के साथ रवाना हो गई। बस को रुदौली में रोककर आरोपी युवकों को रुदौली पुलिस को सौंप दिया। दोनों युवक दिल्ली से बस्ती जा रहे थे। उनके मुताबिक युवती ने बताया कि वह लखनऊ से बस में सवार होकर बस्ती के लिए जा रही थी। उसकी सीट के पीछे दो युवक बैठे हुए थे। वे पहले उससे गलत कमेंट करने लगे और बाद में उससे उसका फोन नंबर मांगने लगे। इससे परेशान होकर उसने मुख्यमंत्री व एडीजी कानून व्यवस्था को ट्वीट कर अपनी शिकायत दर्ज कराई। बताया कि महिला पुलिस ने पीड़िता को गुलाब का फूल देकर उसको सुरक्षा एहसास कराया। इसके बाद महिला थाना प्रभारी उसके साथ बस में बैठकर फैजाबाद शहर तक आए। बताया कि युवती ने आरोपी लड़कों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से मना कर दिया। सीओ रुदौली निपुण अग्रवाल ने बताया कि आरोपी युवक संभल जिले के रहने वाले हैं। उनकी पहचान मो रिजवान व मो हुसैन के रूप में हुई। आरोपी युवकों ने बताया कि वह साड़ी बेचने का काम करते हैं। साड़ी बेचने के लिए उन्होंने युवती से फोन नंबर मांगा था। बताया कि मामले में पीड़िता ने कोई शिकायत नहीं दी है। आरोपी युवकों को शांति भंग की आशंका में चालान कर दिया गया है।